नमस्कार, गौरा नीटिंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखिए साइड पॉकेट स्वेटर में या कार्डिगन में किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो मेरा कार्डिगन पार्ट्स है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और इसमें ये राइट साइड है मेरी। तो हम इसमें सीखेंगे राइट साइड में कि हम पॉकेट जो है किस तरह से बनाएंगे मशीन से। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे पॉकेट बनाने के लिए मैंने जो है ये स्वेटर जो ये फ्रंट पार्ट है ये मैंने 7 इंच के करीब बुन लिया है। देखिए इसमें मैंने ये बॉर्डर तैयार की है। बॉर्डर जो है मैंने हाथ से ही बनाई है अपनी निडल की हेल्प से। और अब इसमें हमने बॉर्डर बनाने के बाद मैंने मतलब हम बॉर्डर से इसकी लेंथ लेंगे और 7 इंच तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक बार मैं इसे बताती हूँ आपको। ये देखिए 7.5 के करीब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस पर वेट है लगा हुआ, तो इस वजह से ये हमारी जो स्वेटर है खींच जाती है। तो 7 इंच कंप्लीट होने के बाद जो है हम अपनी पॉकेट स्टार्ट करेंगे। तो साइड के मैं 15 फंदे ले लूँगी, तो इन्हें बुनते हुए जाएंगे। पहले 15 फंदे 15 निडल हम बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 फंदे बुन लिए। और ये जो धागा है हमारा, ये हमारी 16वीं नीडल पर होना चाहिए, तो ये 16 फंदे मैंने बुन लिए। ठीक है, अब जो हमारी ये 15 फंदे हैं इस पर तो हमारा धागा हमें चाहिए था तो हमने इधर कर लिया। अब 15 जो नीडल हैं हमारी, इनको हमने जो ये फंदे हैं इसे हम सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसे रफली हम दूसरे थ्रेड से बुन भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीडल पे ही इसको उतार लूँगी इन फंदों को। देखिए इस तरह से आपको सेफ्टी पिन पर ये फंदे जो हैं उतार लेने हैं। नीडल पे भी आप इन फंदों को उतार सकते हो जो आपको ठीक लगता हो। तो इस तरह से मैं इनको सेफ्टी पिन पे सारे ही फंदे उतार लेती हूँ। देखिए सेफ्टी पिन पे मैंने ये फंदे उतार लिए। 15 फंदे हमारे सेफ्टी पिन पे, 15 फंदे। और इसके बाद देखिए इसमें टोटल जो मेरा ये फ्रंट पार्ट है इस पर मैंने 65 स्टिचेस फंदे लिए हैं। और यहाँ पे देखिए 11 फंदे मैंने बॉर्डर के लिए अलग से रखे हैं। इसको मैं हाथ से ही रेडी करूँगी बॉर्डर को। तो अब हम अपनी पॉकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस ये मल्टी कलर का वूल है, तो मैंने इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं डाला है, सिंपली मैं इसको प्लेन बना रही हूँ। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हम 2 सिलाई लगा लेते हैं पहले। देखिए 2 सिलाई हमने लगा ली है। ट्रांसफ़र नीडल चाहिए हमको इस तरह की, तो ये 3 हमें डिवाइड मतलब फंदे ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होंगे। अब यहाँ पर हमें 5 फंदे जो है उल्टे उल्टे बुनने हैं और एक फंदा हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, वो हमें कटाना है यहाँ पर। तो हम 6 फंदे लेके चलेंगे, तो 3 ये फंदे हो गए और 3 फंदे ये हो गए, टोटल हो गए 6। तो ये ट्रांसफ़र करेंगे हम अपनी लेफ्ट में। 3 फंदे हो गए और 3 फंदे हम इन्हें भी ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इन 6 फंदों में 6 फंदे हमने ट्रांसफ़र किए हैं, तो जो हमारी छठवां जो हमारा फंदा या नीडल है उसे हम उसे नहीं बुनेंगे। जो हमारे 5 फंदे उनको हमें उतारना है और फिर बुनना है। तो देखिए हर 2 सिलाई में हम इसे ऐसी उतारेंगे और बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हो गए। ये 5 नीडल का फंदा है, सिर्फ हमें एक बार इसे इस तरह से खोलना है और यूँ बुनना है यहाँ पर इस तरह से। एक फंदा बना लिया, दूसरा भी इसी तरह से करेंगे। इसे उतारेंगे हम और फिर इसे इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, 2 फंदे हो गए, ये 3 भी हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए 4 फंदे तो हमने बुन लिए। जो ये हमारे साइड की जो नीडल है ना, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर एक हमारी जो है डिज़ाइन जो है अच्छे से बनता, मतलब एक शेप सी अच्छी आएगी यहाँ पर साइड की। अब ये कर लिया हमने, अब इसके बाद हम 2 सिलाई लगाएंगे फिर से। वन 2 2 सिलाई लगा दी, फिर से हमें वही करना है।
हमें अपने छह फंदे ट्रांसफ़र करने हैं, तीन फंदे ये हो गए और तीन फंदे ये हो गए, तो टोटल छह फंदे हो गए। इनको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। जो ये छठवा हमारा फंदा है निडिल है, इसे हम ट्रांसफ़र, मतलब इसके फंदे को खोल के, और इसे हम, हमें बुनना नहीं है, ये हम ऐसे ही रखेंगे, मतलब खोलना नहीं है, बुनना नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि इस पर हमारे दो फंदे हैं। अगर हम इसे उतार के बुनेंगे तो फिर ये नीचे जो है पूरा खुल जाएगा हमारा स्वेटर। तो हमें सिर्फ ये चार फंदे बुनने हैं, और जो ये साइड का एक पाँचवा फंदा है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हम इसे उतार के उन फंदों को बुनेंगे। तो हर बार दूसरी सिलाई, मतलब दो सिलाई लगानी है हमें इस तरह से, फंदे हमको उतार के फिर वो करना है, बुनना है हमको। ये इसलिए मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को यहाँ पे उतार के, क्योंकि मेरे जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो भी ऐसा ही है उल्टे उल्टा, जिससे मैं हाथ से बना रही हूँ। तो आपका जो बॉर्डर का डिज़ाइन होगा वही हम यहाँ पे अपना डाल लेंगे, या फिर इस तरह से भी रख सकते हो, या जो हम जैसे हम सिंपल बॉर्डर बनाते हैं एक सीधी हरी उल्टी करके, वो भी हम इस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इन बाकी को बना लूँगी। ये देखिए फिर से मैंने इसे बना लिया है, और अब फिर से मैं दो सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर, वन टू। जो हमने यहाँ पे ना छह फंदे रखे हैं, ये आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पांच ही फंदे या छह ही फंदे ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपको जितनी यहाँ पे चौड़ी बॉर्डर चाहिए अपनी पॉकेट के लिए, उस हिसाब से आपको फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम डबल फंदा, जिस नीडिल में हम डबल फंदा रखेंगे, वो हम, उसे हमें बुनना नहीं है बस, बाकी हम आगे का बुन लेंगे, और साइड का जो हमारा ये फंदा होगा इसे भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से घटाते हुए हम जाएंगे, और अपनी जो है पॉकेट, जहाँ तक मतलब जब आपको लगे कि आपके पॉकेट में आसानी से आपका हाथ जा रहा है, तो उतना आप कम्प्लीटली बुन लेंगे। ये ध्यान रखना है कि वेट हटाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि आपकी जो पॉकेट है वो उसमें आपका हाथ अच्छे से जा रहा है, मतलब टाइट तो नहीं हो रही है आपकी पॉकेट वेट हटाने के बाद। अगर वेट आपको नहीं हटाना है तो आप आधा एक इंच एक्स्ट्रा करके बुन लेंगे। तो मैं अब आप आसानी से यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस तरह से बनाना है। इसके बाद जो है मैं इसकी पूरी लेंथ रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैंने बुन लिया है, ये देखिए इस तरह से, और इसकी जो लेंथ आई है वो है 5.5 इंच, ये देखिए 5.5 इंच के करीब मैंने अपनी पॉकेट जो है रेडी कर लिए। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम किसी वेस्ट धागे से इन फंदों को बुन के इन्हें उतार देंगे, ठीक है। इन्हें उतार लेंगे अब, ये देखिए उतार लिया है मैंने, और शेप आपको देखी, बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप आई है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फंदों को आपको अपने हिसाब से बढ़ाना है, और देखिए जो साइड में हमने एक फंदा बिना बुने रखा था वो देखिए, वो इसकी एक अलग सी ही लाइनिंग से आपको दिखाई दे रही होगी। फंदे कम ज़्यादा आप यहाँ पे अपने हिसाब से कीजिए। अब देखिए अब हमें इसके बाद क्या करना है, इतना तो हमारा जो फ्रंट जो शेप होती है वो आ चुकी है, इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद देखिए टोटल हमारे 65 जो फंदे थे वो हमें उतारने हैं। ये जो धागा है इसको हम कट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर दूसरे धागे का यूज़ कर लेंगे हम। दूसरे धागे से मतलब है मेरा इसी कलर के ऊन से। तो अब हमें यहाँ पे फंदे उठाने हैं, तो आपको जितनी गहरी अपनी पॉकेट चाहिए, ठीक है, वह आप उस हिसाब से अपने फंदे उठाइए। आपको ज़्यादा डीप चाहिए यहाँ से फंदे उठा लीजिए, और कम चाहिए तो कहीं बीच में से भी ले सकते हैं। तो मैं यहीं से इसकी जो है फंदों को उठा लूँगी, ठीक है। किस तरह से हमें उठाने हैं ये फंदे, ये भी हम देख लेंगे। अब हम इस तरह से रख लेंगे, हाँ। और एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो ये 15 फंदे हैं हमारे, हमें इसके पैरेलल में जाके फंदे लेने हैं, मतलब हम जहाँ हमारे ये 15 फंदे हैं इस साइड नहीं उतारने, इस साइड से हम नहीं लेंगे फंदे, फंदे लेंगे हम इसकी लेफ़्ट से, 15 फंदों के लेफ़्ट से। ये 15 फंदे हैं, ये बाद में हमारे ऊपर आएंगे, तो यहाँ से हम फंदे इधर के ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपने फंदों को उतारेंगे इस नीडिल पर, ठीक है। जो हमारी रो है बिल्कुल उसी के फंदे हमें लेते हुए जाना है इस तरह से।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फंदे एक ही सीध में एक ही रो के फंदे उठाने हैं और निडिल पर उतारने हैं, उन फंदों को उतारना है। तो इस तरह से हम इन फंदों को ले लेंगे। देखिए फंदे उतार लिए मैंने इस तरह से। अब मैं इसको, ये धागा मैंने लगा लिया है और फिर से मैं इस पर प्लेन सिलाई लगाऊंगी। और ये सिलाई हमें तब तक लगानी है जब तक कि ये जो हमने 15 फंदे रखे हैं ना निडिल पर, इसके बराबर ना हो जाए। तब तक हमें ये सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। देखिए तो इसको मैंने जो है इसके बराबर बुन लिया है, ये देखिए, ठीक है ना, ये इसके बराबर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से इसे हम वेस्ट जो धागा होगा हमारा किसी और कलर का उस पर हम इसे इन फंदों को उतार लेते हैं। तो इनको मैं दूसरे धागे को उतार लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने जो है ये अंदर का जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने फंदे नीचे से उतारे थे लिए थे, उसको जो है हमने फिर से इसे उतार लिया है, ये चेक करने के लिए कि हमारे ये दोनों बराबर हुए हैं या नहीं। ये देखिए, तो इससे हमें ये पता चल रहा है, देखिए बिल्कुल इसकी जो लेंथ हुई है बिल्कुल इसकी के बराबर हो चुकी है। आप चाहो तो इन फंदों को, मतलब जो मैंने ये उतारे हैं, ये उतारना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर मैंने इसलिए उतारे हैं क्योंकि ये जो है आपको अच्छे से पता चल जाए, समझ में आए। देखिए अगर आप चाहो तो इन फंदों को ऐसे ही यहाँ पे रख सकते हो। और अब जैसे कि मैंने ये देख लिया है कि इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो इन फंदों को मैं फिर इसमें लेकर और ये जो 15 फंदे ये भी मैं यहाँ पे साथ में इसी के साथ रख लूँगी। ठीक है, जो ये आगे का हमारा पोर्शन है वो अभी ऐसे ही रखेंगे हम, इसको उसको बुनेंगे नहीं अभी। तो अभी हम इनको ले लेंगे, ये 15 फंदे भी लेंगे और जो उतारे थे मैंने इसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। पर आप चाहो तो इसे कोई उतारना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही रख के ये 15 फंदे रख लीजिएगा। अब देखिए ये फंदे मैंने उतार लिए हैं और अब जो ये 15 फंदे ये हमें किस तरह से लेने हैं, 15 निडल हमें आगे की तरफ करनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अब इन 15 निडल पे ये फंदे उतार लेंगे हम। देखिए 15 फंदे निडल पे उतार लेने के बाद हम इसे अब हाथ से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए 15 फंदे। कैरेज पे लगा लेंगे इसको और अब इसकी लेंथ हमें इतनी रखनी है जितना कि हमारा ये पोर्शन है आगे का, ठीक है। अब इसे हम बुनते हुए चलेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट के जो पोर्शन था हमारा फ्रंट पार्ट का, उसके बराबर हो गया है। ये देखिए इसे हम कैसे देखेंगे, जो बॉर्डर की तरफ से आपको इस तरह से मिलाते हुए जाना है और यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये देख लेंगे हम कि ये इसके बराबर हो गया। तो ये इसके बराबर हो चुका है, हमने वेट निकाल लिया है, ठीक है ना। अब इन फंदों को मैंने देखिए वेस्ट यान पे वो कर लिया है, अब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद देखिए अब हमारा जो है जो फ्रंट पोर्शन है उसके फंदे हमें यहाँ पे लेने हैं, ये फंदे इस तरह से समझिए। देखिए ये तो बैक हो गया ना, पॉकेट का बैक पोर्शन हो गया ये वाला, इसे हम बाद में उतारेंगे इन फंदों को निडल पर। और जो ये हमारा ये फ्रंट का था, देखो यहाँ पे जहाँ ये जो फ्रंट पार्ट का था, तो इन फंदों को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद हम इन फंदों को लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनको इसमें उतारेंगे, उतार लेते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फंदे मैंने उतार लिए हैं, अब हमें बैक पार्ट जो ये है इसके फंदे हमें लेने हैं। तो इसमें हमारे 15 फंदे भी ऐड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि हमें यहाँ पे हमारे फंदे ना बढ़ जाते हैं, या कम ही हो जाएंगे या फिर बढ़ जाते हैं। तो हमें पूरे मतलब अपने फंदे हमें कितने 65 हमने फंदे रखे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 34 हमारी ये निडिल हो गई है, उससे आगे हमें काउंटिंग करना है। तो 34 फंदे ये हो गए, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65,
फंदे हमारे हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे 65 फंदे हो चुके हैं। अब हमें क्या होगा कि अपने फंदों को लेने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए निडिल हमने आगे की तरफ कर लिया है, अब हमें अपने फंदे पहले यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो फंदे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आएंगे, मतलब फंदे हमारे बढ़ेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे फंदे अपने इस पर उतार लेंगे अपने, ठीक है। 15 फंदे तो हमने ले लिए थे ना, जो इसमें हमने बुने थे, तो उसमें भी ऐड हो चुके हैं वो। अब इस तरह से हम जो है कि वेस्ट धागे पे हमने जो लिया था, अब इन फंदों को हम यहाँ पे इस निडिल पे ट्रांसफ़र करते हुए जाएंगे और पूरे में हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद बताती हूँ मैं जो एक्स्ट्रा हमारे फंदे बचे होते हैं वो कैसे लेने हैं। देखिए यहाँ तक फंदे उतार लिए हमने, अब हमें इसके बाद पता क्या करना होता है कि जो ये हमारे फंदे हैं ना, हमें इसे निडिल में दोबारा लेना होगा इस तरह से। जो हमारे पहले जो फ्रंट साइड का था, पॉकेट साइड का था, जो उसी पोर्शन में हमको इनको भी ले लेंगे हम। तो एक ही फंदे में, जैसे एक निडिल में हमारी दो दो फंदे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे, कर लेते हैं इनको ट्रांसफ़र। देखिए इस तरह से जो है हमने अपने पूरे फंदे ट्रांसफ़र कर ले यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो है ये धागा हमारा लगा है ही, अब इससे क्या है, हम प्लेन बुनने के बाद मैं आपको पॉकेट दिखाती हूँ, ठीक है। ये पॉकेट जो है हमारी यहाँ पे अब रेडी हो चुकी है, तो कुछ सिलाइयाँ लगाती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ पॉकेट। और हाँ, जो ये हमारा धागा है वेस्ट, जो हमने धागा लगाया था, इसे हम उतार लेंगे एक बार, फिर हम अपनी पॉकेट देखते हैं। तो फाइनली देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट बन के आएगी, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है ये पॉकेट रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।